नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मैं फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीआई लाइट है क्या। तो दोस्तों इससे क्या होगा, अगर यूपीआई लाइट आ गया है तो आपको फ़ायदा होने वाला क्या है और नुकसान क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही जानेंगे। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और मैं हम आपको हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि यूपीआई लाइट क्या है और इससे क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यूपीआई लाइट जो है, जो कि बिना इंटरनेट के और बिना पिन के, जो आप यूपीआई पिन बनाते थे वो बिना पिन के ही आप पैसा को भेज सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको विस्तार से बताते हैं कि आपको क्या कैसे कैसे सब इसमें काम होगा यूपीआई लाइट में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें होगा कि आप बिना इंटरनेट के और बिना यूपीआई पिन के भी पैसा को भेज सकते हैं। सरकार ने भारत में यूपीआई लाइट को लॉन्च किया है। यह एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो यूजर्स को यूपीआई पिन का इस्तेमाल किए बिना 200 रुपये तक का भुगतान करने की सुविधा देती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यूपीआई लाइट असल में एक वॉलेट सुविधा है। ये सुविधा आपको भीम के यूपीआई ऐप पर मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप भीम यूपीआई ऐप चलाते हैं तो उस पर आपको यह सुविधा देखने को मिल जाएगी और इस वॉलेट में आप अपने अकाउंट से पैसा डाल सकते हैं। शुरुआत में इस वॉलेट की मैक्सिमम जो लिमिट है 2000 रुपये की होगी और इस वॉलेट से बिना इंटरनेट या यूपीआई पिन के, बिना यूपीआई पिन के आप एक बार से ज़्यादा 200 रुपये का पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस सर्विस के जरिए ऑफलाइन मोड में पैसे भेजे जा सकेंगे। ये सर्विस तब आपके काम आ सकती है जब इंटरनेट या यूपीआई सर्विस डाउन हो। तो दोस्तों देखिए, हालांकि बहुत केसेस में ये होते हैं कि कभी इंटरनेट ही नहीं होता है और कभी कभी तो बैंक का सर्वर ही डाउन होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सुविधा सरकार ने कर दिया है जो कि यूपीआई लाइट को लॉन्च करके। तो दोस्तों ये भी हम बता दें कि बैंक अकाउंट से वॉलेट में पैसा डालने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। इस सर्विस का इस्तेमाल दिन में कितने भी बार किया जा सकता है और अगर आप इस सर्विस को डिसेबल करते हैं तो आपके वॉलेट में बचे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि कम कीमत की पेमेंट के लिए आरबीआई ने एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया के साथ मिलकर यूपीआई लाइट लॉन्च किया है। ये यूपीआई की तुलना में तेज और सरल है। फिलहाल कैनरा बैंक, HDFC बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यूपीआई लाइट की सुविधा दे रहे हैं अभी। तो हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर हमारी बताने का तरीका अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं भी ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा और मैं हम आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।